आज आपको मैं फलियों और आलू का सालन बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो फलियाँ ली हैं जिनके दाने ये हैं और आधा किलो ही आलू लिए। हाफ चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, हाफ चम्मच नमक का और एक चम्मच मैंने मिर्चों का लिया है, सुरख मिर्च का। ये लहसुन और अदरक है, ये मैंने दो प्याज काटे हैं। टमाटर दो अदरक और ये चंद मिर्चें हरी मैंने ली हैं जो मसाले के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। अब मैं टमाटर डालने लगी, अब मैं इसमें नमक मिर्च और हल्दी, अब मैं थोड़ा सा पानी का इसको सब्जी डालने लगे, फलियाँ डाली हैं और साथ आलू भी डालूंगी। आलू फलियाँ हम पका रहे हैं आज। अब मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूंगी, जब सब्जी का पानी खुशक हो जाएगा फिर अब मैं इस पर ढकना लगाने लगी हूँ और जब सब्जी का पानी की शक्कर फिर अगर ज़रूरत हुई तो हल्का सा मैं पानी डालूँगी थोड़ा। अच्छा, ये इसको मैंने सब्ज़ी को अपने पानी में ही ये खुद गली है, इसमें मैंने पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। ये याद रखें, जो सब्ज़ी अपने पानी में खुद गलती है दम वाली आग में, उसका जायका बहुत अच्छा होता है और अपना ही जायका होता है। जिसमें पानी डाल दें वो मज़ा नहीं रहता, ये मेरी बात याद रखें। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी आलू फलियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, आप हमने फलियां आलू को डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह जाने से पहले मेरी वीडियोस को आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।